दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर आपका भाई आपकी सेवा में हाजिर है किसी नई जानकारी के साथ। आपकी किसी परेशानी का हल लेकर आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजू की टिप। चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मैं इन फ्यूचर वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है खुजली से संबंधित है, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ। और भी सारे ट्यूब मैंने आपको बताएं, तो आज का भी मेरा जो ट्यूब है वो खुजली से ही संबंधित है, लेकिन कुछ अलग हटके है, मैं आपको आज बता देता हूँ। फिलहाल मैं बात करूँगा आज डर्मिकम मौसी के नाम से, जिनको खुजली रहती है, जिनको लालिमा हो जाती है, जिनको सूजन हो जाती है, जिनकी बॉडी पर चाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तो उनकी परेशानियों का काफ़ी हद तक समाधान करता है ये ट्यूब। मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, सारी चीज़ें बता दूंगा। तो फिलहाल बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो मैं इसके बात कर लेता हूं पहले से इसका फार्मूला क्या क्या है इसके अंदर क्लोबिटासोल प्रोप्योनेट नियोमाइसिन सल्फेट एंड निकोनाजोल नाइट्रेट, इसका ये फार्मूला है। मेरे पास एल्केम कंपनी का है, जैसा आप देख रहे हैं ये सामने है आपके। एल्केम एक अच्छी ब्रांड है अपने आप में। 15 ग्राम का ये ट्यूब होता है, इसकी MRP 77 रुपये है, 77 रुपीज़। इन्फेक्शन वाली जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, जैसे लालिमा हो जाती है, सूजन हो जाती है, खुजली हो जाती है, आपके कहीं कहीं दाद हो जाते हैं, तो उसके इस्तेमाल में बहुत बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स रहता है। इसको आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, आपको हर जगह ये अवेलेबल होगा। क्योंकि आपको ये ट्यूब सिर्फ बाहरी अंगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको अपनी आँखों से बचा के रखें, आप अपने इसको होठों से बचा के रखें। इसका मुख्य इस्तेमाल यही होता है कि त्वचा का जो संक्रमण, त्वचा पर जितने भी संक्रमण हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन होता है, वो खुजली होती है, वो चाहे दाद हो जाता है, वो चाहे एक्जिमा हो जाता है, वो चाहे फोड़े फुंसी हो जाती हैं, वो चाहे आपके लाल चकत्ते पड़ते हैं, तो उसके सारे इस्तेमाल में ये इस्तेमाल किया जाता है। एक अपने आप में एक बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके मैं आपको साइड इफेक्ट बता देता हूँ। साइड इफेक्ट कोई इतने ज़्यादा खास नहीं है। आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी हल्की होने की चांस ज़्यादा होते हैं। हल्की का मतलब ये है कि आपका त्वचा जो है वो थोड़ी पतली होने के चांस ज़्यादा रह जाते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट और कोई इतना खास नहीं है। इस्तेमाल वाली जगह पर ये रिएक्शन कर सकती है, जैसे जलन पड़ सकती है, साइड इफेक्ट यही बताए जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे क्रीम आते हैं इसी फार्मूले के साथ, मैं आपको बता देता हूँ। इसके क्रीम आते हैं और भी इसके साथ, और किस किस कंपनी के आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक GM बर्न क्रीम आता है, वो जायडस कैडिला का होता है। डर्मावेट एन क्रीम आता है, एक टोपिनोवा क्रीम आता है, एक क्लोबिसोल GM क्रीम आता है। इसके ये सारे क्रीम आते हैं और आप कहीं से भी इसको आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका वैसे तो कहीं पे ना मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ ना आपको नेट पे मिलेगा, आपके जो डॉक्टर सलाह दें जैसे आप लगा सकते हैं वैसे आपके लिए ठीक है। लेकिन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दो बार या कम से कम एक बार आप लगाएं, इसको ज़्यादा ना लगाएं। सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अगर आप किसी भी जगह पर लगाते हैं इसको हाथ से, तो उसके लगाने के तुरंत बाद आप हाथ धो लें, और अगर हाथों पे है तो हाथ ना धो, क्योंकि फिर तो हाथों पे ही इन्फेक्शन है वो। अगर किसी और जगह पर अगर आपके इन्फेक्शन है और अगर आपने हाथ से लगाया और हाथ अगर आप नहीं धोएंगे, तो उसके बाद अगर आप मुंह पे लगाते हैं, और जगहों पे लगाते हैं, तो वो जो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बाहरी अंगों के लिए है, मतलब आँखों के लिए और होठों के लिए और गुप्तांगों के लिए नहीं है, तो इसलिए हाथ अवश्य धो लें। किस प्रकार काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है तीन दवाओं का मिश्रण है, जैसा मैंने आपको बताया, क्लोबिटासोल मिकोनाजोल एंड नियोमाइसिन, जो त्वचा का संक्रमण इलाज करता है नियोमाइसिन। और क्लोबिटासोल जो होता है वो स्टेरॉइड दवा है, ये कुछ केमिकल मैसेंजर के उत्पादन का ब्लॉक करती है, जो त्वचा में लालपन हो जाता है, सूजन हो जाती है, खुजली का कारण बनते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं ये। निकोनाजोल एक एंटीफंगल है, जो फंगी को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोककर उसे बढ़ने से रोकता है, फंगी जो होती है आपके फंगस जो हो जाती है। बाकी इसमें जो नियोमाइसिन है वो एक एंटीबायोटिक है, यह बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीनों के लेसड़ को रोककर बैक्टीरियल वृद्धि को रोकता है। तो इसके अलग अलग जैसे जो इसके काम हैं, इन सारी दवाओं के मैं आपको बता चुका हूँ। जैसा मैं बताया कि कोई भी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं खुजली वाला या स्किन ट्रीटमेंट वाला, तो आप उसको लगाने से पहले साबुन से या अच्छे से किसी अच्छे कपड़े से, गीले कपड़े से, उस जगह को, इन्फेक्टेड एरिया को आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसके इस्तेमाल करने के 2-4 हफ्ते के बाद भी अगर आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, तो आप अपने जिस डॉक्टर ने आपको ये प्रेस्क्राइब किया होगा या आप जहाँ से लेकर आए होंगे, उससे आप फिर से इससे सलाह लें कि डॉक्टर साहब इसका काम नहीं हुआ है, क्या करना चाहिए, तो वो आपको जैसी सलाह दे आप उसको फॉलो करें। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आप लोगों की आज परेशानियों का मैं हल निकाल पाया हूँ। अगर मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए।